दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी नाड़ी शुद्धि प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम किस तरीके से किया जाता है स्टेप बाय स्टेप इन दोनों में क्या अंतर है यानी डिफरेंसेस है और इन दोनों में क्या समानताएं हैं यानी सिमिलैरिटीज़ है हर एक चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी और ये सारी जानकारियां आपको इस तरीके से मैं साझा कर रही हूं एक ही जगह की जानकारी शायद आपको कहीं और ना मिले इसीलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा अगर चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा ज़रूर बन जाइएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका तहे दिल से शुक्रिया आप अगर नीचे घंटी का निशान दिख रहा है उसको दबा लेंगे ना तो आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगे और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं किया करेंगे और हाँ अगर आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में नहीं फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ भी जाके जरूर मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा नमस्कार दोस्तों मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में दोस्तों कैसे हैं आप सभी इस इन दोनों अभ्यास को करने से शरीर की शुद्धि होती है यानी क्लिंजिंग होती है हमारी नस नाड़ियों की हमारा मन जो है शांत तो होता है चिंता मुक्त तो होता है और इस अभ्यास को अगर आप निरंतर करते रहते हैं तो ये आपके शरीर की जो ऊर्जाएं हैं उसको ऊर्ध्वगामी करने में बहुत मदद करती हैं शरीर जो है रोग मुक्त तो होता है और बुढ़ापा भी आपको परेशान नहीं करता है इसके अलावा आप कोई भी रोग का नाम ले लें डायबिटीज़ थायराइड, हाइपरटेंशन, हाई, हाई ब्लड प्रेशर रात में नींद नहीं आती है पीसीओडी पीसीओएस से परेशान रहते हैं शरीर में कहीं भी किसी भी जगह दर्द होता है वात पित्त कफ जो है वो बैलेंस नहीं है तो ये सारी चीज़ें आप जब ये अभ्यास करेंगे ना तो अपने आप धीरे धीरे शरीर से दूर होती नजर आएंगी सबसे पहले टेक्निक सीखना ज़रूरी है तभी इनमें हम समानताएं या अंतर समझ पाएंगे तो मैं सबसे पहले आपको सिखाऊंगी कैसे करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास तो हर एक प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए हम जब भी बैठेंगे तो चाहे तो ऐसे फ्लोर पर बैठ सकते हैं योगा मैट पर या कि आप अपने कुर्सी या सोफे में भी बैठ सकते हैं और आपकी रीढ़ की हड्डी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो हमेशा आपकी सीधी हो ना तो बहुत पीछे की तरफ झुकी हुई ना आगे की तरफ झुकी हुई सीधी कोई तनाव नहीं देना है और दोनों हाथों को घुटने पर रख के मुद्राएं जरूर लगाया करें और सही मुद्राएं लगाया करें तो लेफ्ट हाथ से आप लगाएंगे चिन मुद्रा ऐसे जॉइंट थम एंड इंडेक्स फिंगर टुगेदर एंड ऑल थ्री फिंगर्स आउट ऐसा और इसको घुटने के ऊपर रख लें ऐसा और अपने दाहिने हाथ से राइट हाथ से आप लगाएंगे विष्णु मुद्रा तो ऐसे मुट्ठी बना ली और इससे लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर छोटी उंगली और उसके बगल वाली उंगली को उठा दिया आपकी इंडेक्स और मिडिल फिंगर जो है वो पाम की तरफ होगी अब अपने राइट अंगूठे से राइट नाक को बंद करेंगे ऐसे और लेफ्ट नाक को खुला रहने देंगे लेफ्ट नाक से पूरी सांस बाहर छोड़ेंगे फिर लेफ्ट नाक से सांस लेंगे लेफ्ट नाक को बंद करेंगे और राइट सांस छोड़ देंगे फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे पूरी सांस लेकर फेफड़े पर सांस भर ली और के लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस को छोड़ दिया एक साइकिल हमने सीख लिया अब जरा देखते हैं कि इसको रेशियो में कितना करेंगे रेशियो अनुलोम विलोम में वन इज टू टू का अभ्यास किया करें यानी जितनी सांस लें उससे दोगुनी सांस छोड़ें तो अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लिया लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस ले रहे हैं एक दो तीन चार पाँच अब लेफ्ट को बंद करें राइट से सांस छोड़ें एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस सांस लें राइट से एक दो तीन चार पाँच राइट को बंद करें लेफ्ट से सांस छोड़ें एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस फिर से एक साइकिल और इनहेल थ्रू योर लेफ्ट क्लोज लेफ्ट एक्सेल through योर राइट स्लो कंट्रोल लॉन्गर एक्सेलेशन पूरा फेफड़ा खाली कर दिया सांस ले रहे हैं अपनी राइट से फेफड़े पर सांस भर ली एक्सेल through योर लेफ्ट स्लो कंट्रोल लॉन्गर एक्सेलेशन ये हो गया तो इस तरीके से जितनी सांस लीजिए उससे दोगुनी यानी डबल सांस छोड़िए अगर आप इतनी सांस लेने में कंफर्टेबल नहीं है तो थ्री काउंट तक सांस लें सिक्स काउंट तक सांस छोड़ें फिर कुछ हफ्तों के बाद फोर काउंट तक सांस लें एट काउंट तक सांस छोड़ें फिर कुछ हफ्तों बाद पांच काउंट तक फाइव काउंट तक इनहेल करें और टेन काउंट तक एक्सहेल करें दैट मीन्स कि अभ्यास में सांस लेना और छोड़ना कितना है वो आप डिसाइड करेंगे कि आप कितने में कंफर्टेबल है रेशियो वन इज टू टू रखिएगा और कुछ हफ्तों तक इसका अभ्यास करें अनुलोम विलोम का मतलब ही होता है सीधा और उल्टा अनुलोम मीन सीधा और उल्टा इस अभ्यास में हम सिर्फ पूरक और रेचक करते हैं यानी इनहलेशन करते हैं और एक्सलेशन करते हैं दोस्तों अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरे द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाइन योगा क्लासेस में इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को जूम के माध्यम से कंडक्ट किया जाता है हर एक क्लास एक घंटे की होती है मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती हैं और सबसे अच्छी बात है कि आप अपने घर के ही कम्फर्ट जोन में रह के स्टेप बाई स्टेप हर दिन अलग अलग तरीके के आसन सीखेंगे प्राणायाम सीखेंगे ध्यान सीखेंगे रिलैक्स सीखेंगे, जिससे आपको ओवरऑल स्वास्थ्य में लाभ मिले मेरी जो एग्जिस्टिंग क्लासेस में स्टूडेंट है, मेरी निगरानी में रहकर योग का अभ्यास कर रहे हैं ना उनको कई सारे हेल्थ कंडीशंस में फायदा मिला है जैसे कि अगर उनको थायराइड था डायबिटीज था रात में नींद नहीं आती थी बैक पेन नी पेन सर्वाइकल पेन जैसी समस्याएं उनको परेशान करती थी अत्यधिक मानसिक तनाव जैसे कि एंगजाइटी है या कि डिप्रेशन जैसी समस्याएं हैं उनसे उभरने में भी बहुत मदद मिलेगी तो आई हाईली रिकमेंड कि आप ये क्लासेस ज़रूर ज्वाइन करें अगर किसी कारण से ये क्लासेस आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो मैंने कुछ रिकॉर्डेड कोर्स भी बनाए हुए हैं जिनको आप मेरी वेबसाइट में जाकर एक्सेस कर सकते हैं इन कोर्सेस की भी खासियत ये है कि इसमें एक घंटे की प्यूर पूरी की पूरी मैंने वीडियो इस तरीके से बनाई है कि आप इस एक घंटे में आप आसन भी करें प्राणायाम भी करें और ध्यान भी करें और ये जो कोर्स है ये कंप्लीटली बिगनर फ्रेंडली हैं तो आप कभी भी इन अभ्यासों को कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा सहायता के और घर घर पे ही रह के करना है कभी भी किसी भी वक्त ये वीडियोस को चला के अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से अभ्यास करना शुरू कर दें अगर आप इस कोर्स के बारे में और जूम क्लास के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट जो मैंने यहाँ पर शेयर की है ज़रूर चेकआउट कीजिएगा जो कि की है डब्लू या कि फिर मैंने जो यहाँ पर ये नंबर दिया है ना व्हाट्सएप नंबर इस व्हाट्सएप नंबर पर अगर आप एक व्हाट्सएप कर देंगे तो मेरी टीम के द्वारा आपको तत्काल सारी जानकारी भेज दी जाएगी अभी तो ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देख लीजिए क्योंकि कोई भी जानकारी आप मिस मत कीजिए और बाद में जाके मेरी वेबसाइट जरूर चेकआउट कीजिएगा या व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा तो अब हमने सीख लिया कैसे करते हैं अनुलोम विलोम का अभ्यास अब आइए जरा सीखते हैं कैसे करेंगे नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का अभ्यास हाथ की मुद्राएं वैसे ही लगाएंगे जैसे हमने अनुलोम विलोम में लगाया था लेफ्ट हाथ से चिन मुद्रा राइट हाथ से विष्णु मुद्रा और फिर उसके बाद ऐसे घुटने पर रखने के बाद आपने राइट नॉस्टल को बंद कर लिया राइट थंब से एक्सेल कर दिया पहले लेफ्ट से खाली करेंगे ना फेफड़ा तभी नई सांस भरेंगे इनहेल्स थ्रू योर लेफ्ट रिटेन सांसों को रोक लें जितनी देर तक रोक सकते हैं और फिर exhale through your right again inhale through your right retain your breath and exhale through your left तो देखा आपने सांस लिया लेफ्ट से फिर रोक लिया फिर सांस छोड़ दिया राइट से फिर सांस लिया राइट से रोक लिया और फिर सांस छोड़ दिया लेफ्ट से अब रेशियो की बात करते हैं कि रेशियो कितना होगा नाड़ी शुद्धि का अभ्यास आप जब भी किया करें तो रेशियो वन इज़ टू फोर इज टू टू यानी जितनी सांस लें उससे चार गुना सांसों को रोकें फोर टाइम्स तक रिटेंशन कुंभक और जब सांस छोड़ें तो जितनी सांस ली है उससे दोगुनी सांस छोड़ें यानी टू टाइम्स ऑफ योर इन्हलेशन सो फॉर एग्जाम्पल अभी मैं चार काउंट तक सांस लूंगी तो उसको सिक्सटीन काउंट तक रोकूंगी और एट काउंट तक सांसों को छोड़ दूंगी जरा एक साइकिल आप करके देख लीजिए मुझे मुझे देखिए कैसे करती हूँ मैं सांस लिया लेफ्ट से वन टू थ्री फोर रोक लिया सांसों को वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व

12, 13, 14, 15, 16, and exhale टू योर लेफ्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ऐसा तो हमने एक साइकिल ऐसा कर लिया लेकिन आपको काउंटिंग नहीं करना है काउंटिंग सिर्फ मैंने आपके समझने के लिए बताया एक्चुअल में अभ्यास आपको कैसे करना है मन ही मन सांस छोड़ दिया लेफ्ट से सांस ले लिया लेफ्ट से जितनी सांस ली है उसके चार गुना सांस को रोक लिया और सांस छोड़ दिया राइट से धीरे 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 धीरे, धीरे। फिर सांस ले लिया राइट से पूरी सांस फेफड़े पर भर ली फिर दोनों नाक को बंद करके सांस को रोक लीजिएगा और अंदर ही सांस को रोकिए जितनी देर आप अपनी सांसों को रोक सकते हैं जितनी सांस ली थी उससे चार गुना सांसें आपको अंदर रोक के रखना है और फिर लेफ्ट से सांस को छोड़ दीजिए धीरे 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 फेफड़ा खाली हो जाए ऐसा तो कितना आसान है ना अगर आप चार इनहलेशन सिक्सटीन रिटेंशन एट एक्सलेशन ना कर पाए तो कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा इसको एक स्टेप पीछे तीन काउंट तक सांस लेना और ट्वेल्व काउंट तक सांस को रोकना और सिक्स काउंट तक सांस को छोड़ना ऐसा अभ्यास कर लें या कि अगर एक्सेलेशन या अपना ब्रेथ रिटेंशन का टाइम थोड़ा कम करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से कम कर लें धीरे धीरे प्रोग्रेस करें धीरे धीरे उन्नति करें एक ही दिन में नहीं कि आज हमने शहीदा जी की वीडियो देख ली और हम तो आज इतना रोकेंगे जितनी आपकी क्षमता हो उतना ही अभ्यास करना है और धीरे धीरे आप डेफिनेटली प्रगति ज़रूर करेंगे अब बात कर लेते हैं अंतर क्या है अंतर आपको बहुत सटीक में बताती हूं जो आप अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं इसमें सिर्फ हम पूरक और रेचक करते हैं यानी सांस लेते और छोड़ते हैं लेकिन नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का अभ्यास जब आप करते हैं तो इसमें आप कुंभक का भी अभ्यास करते हैं यानी पूरक सांस लेना सांस को रोकना यानी कुंभक और सांस को छोड़ना यानी रेचक ये तीन अभ्यास करते हैं लेकिन हाँ थोड़ा सा एडवांस और जब जाते हैं तो नाड़ी शुद्धि में आप एक्सटर्नल रिटेंशन यानी बहिर कुंभक का भी अभ्यास करते हैं यानी सांस लेते हैं पूरक सांस को अंदर रोक लेते हैं आंतर कुंभक सांस को छोड़ते हैं रेचक और सांस को छोड़ने के बाद बाहर भी सांस को रोक लेते हैं लेकिन वो एडवांस प्रैक्टिस हैं किसी वीडियो में मैं तसल्ली से उसके बारे में आपको चर्चा करके बताऊंगी। अनुलोम विलोम जो है वो बिगनर फ्रेंडली प्रैक्टिस है अगर आपको अभी सांस को रोकने में दिक्कत आती है तो आप अनुलोम विलोम का अभ्यास किया करें जब कुछ हफ्तों का अभ्यास हो जाए तब आप नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इस अभ्यास को कब करना है अगर आपके पास वक्त रहता है तो आप सुबह दोपहर शाम रात चार टाइम इसका अभ्यास कर सकते हैं अगर वक्त नहीं रहता है तो दिन में कभी भी बेस्ट होगा कि आप सुबह सुबह अभ्यास करें जब बहुत भीड़ भाड़ नहीं रहती और वातावरण शांत रहता है तो सुबह सुबह अभ्यास करना बेस्ट होगा नहीं तो फिर जब सन सेट हो सूरज ढले तब इसका अभ्यास कर लें कितना अभ्यास करना है मिनिमम आपको पाँच मिनट इसका अभ्यास हर दिन करना है मैक्सिमम डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना है और आपके प्रैक्टिस का क्षमता कितना है इस अभ्यास को कोई भी इंसान कर सकता है बिगनर हो मेल हो फीमेल हो अगर आपको कोई हेल्थ कंडीशन है तब तो भी इसका अभ्यास किया जा सकता है इसकी कोई भी लिमिटेशन इस तरीके की नहीं है देखा आपने मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप अनुलोम विलोम कैसे करते हैं ये बताया नाड़ी शुद्धि प्राणायाम कैसे करते हैं ये बताया इनमें समानता यानी सिमिलैरिटीज क्या है डिफरेंसेस क्या है इनको करने से क्या लाभ मिलते हैं ये सारी जानकारी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दी आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने तुरंत वीडियो को लाइक कर दिया होगा नहीं किया तो अभी कर दीजिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने सारे दोस्तों को व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी उन तक भी पहुँचे अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई सुझाव है या आप फ्यूचर में आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे नीचे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस कौन से टॉपिक पर होनी चाहिए मुझे आप सभी के कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार है हाँ तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगली किसी वीडियो में आप सभी से फिर से बहुत जल्दी मुलाकात होगी आप सभी योग का अभ्यास करते रहिए नमस्ते